हेलो फ्रेंड, टेक्निकल सर्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुरैशी। अपने पास आया TCL चाइना किट। इसके अंदर पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है दोस्तों, और इसके अंदर क्या हो गया है, अपना फ्यूज़ जो होता है ये भी शॉर्ट हो चुका है, और इसके अंदर जो पीएफ रहते हैं दोस्तों, ये पीएफ रहते हैं ये वाले, ये पूरे टूट चुके हैं। अब इसे बाहर निकाल लेंगे अपन, पूरे पावर सप्लाई चेक करेंगे और इसके अंदर नए पीएफ डालेंगे, और फ्यूज़ की जगह फ़िलहाल उसको डायरेक्ट करके स्टार्ट करते काम दोस्तों। चलो बनो रहो मेरे वीडियो के साथ में। चलो दोस्तों, जो ये पीएफ ख़राब हो गए, ये जैसे आपको दिख पा रही है, देखो दोनों पीएफ फूट चुके, एक ये वाला और एक ये वाला, ये निकाल लेंगे। और इसका फ्यूज सेक्शन भी जो है, फ्यूज जो सेक्शन है ये भी पूरा जल चुका है। ये देखो दोस्तों, ये पूरा जल चुका है, फ्यूज़ भी पूरा जल चुका है। पहले ये पीएफ निकाल लेंगे, उसके बाद दोस्तों ये पीएफ निकाल ली। ये देखो पूरे जल चुके हैं, पूरे फूट चुके हैं दोनों भी। इसके जगह दोनों भी पीएफ ऑफ होंगे। 681 नंबर दोस्तों, 681 नंबर पी एफ है, वही नंबर पी एफ है दोस्तों। चलो दोस्तों, सर्किट साफ कर लिए, अब दोनों जगह ये पीएफ बिठा लेंगे। ये वाले इधर से, एक बैठ चुका दोस्तों, एक बैठ चुका दोस्तों, अगली है एक दोस्तों। दूसरा वाला दोस्तों, दूसरे पे बैठ गए। बाकी पॉइंट कट कर लीजिए इसके। दोनों पे बैठ चुके हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, ऑफिस का 4 एम्पायर का फ्यूज़ भी डालेंगे। फ्यूज़ जो इसका शॉर्ट है दोस्तों, फ्यूज़ भी डालिए दोस्तों, और फ्यूज़ को टाके मार लेंगे, सोल्डर कर लेंगे दोस्तों, और सीरियस सप्लाई में डालकर चेक भी कर लेंगे आगे क्या प्रॉब्लम है। फ्यूज भी बैठ गया दोस्तों। ये दोस्तों, ये वाला पॉइंट ओपन कर लेंगे, जहाँ कि अपने को 110 सप्लाई आना। दोस्तों मल्टीमीटर को 200 पर ले लेंगे। चलो दोस्तों, सीरियस सप्लाई में डालकर
चेक कर लेंगे कि आगे क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों अपना सीरियस लाइट में कुछ भी ब्लिंग नहीं हो रहा, नहीं देख पा रहे, सीरियस लाइट कुछ भी नहीं बता रहा अभी। चलो इधर मल्टीमीटर पे होल्ट लगा कर चेक कर लेंगे। 110 कंप्लीट तैयार हुआ क्या अपना। ये आ गया दोस्तों उसका ग्राउंड और ये आ गया 110। वोल्ट नहीं तैयार हो रहा दोस्तों, इसका वोल्टेज नहीं आ रही, ये और कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों इसका। एसी पर ले लेंगे दोस्तों मल्टीमीटर को। दोस्तों अपना मल्टीमीटर पे 110 वोल्ट क्लियर निकल रहा है दोस्तों। 110, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट बराबर निकल रहा है दोस्तों। जो ये सप्लाई ओपन कर ये वापस पॉइंट डाल देंगे दोस्तों। चलो दोस्तों पावर लाइट आ चुका है इसका। दोस्तों इसका पावर लाइट आ चुका है, टीवी ऑन नहीं हुआ, फ्लैश नहीं आया दोस्तों, पैनल से ऑन करना पड़ेगा दोस्तों इससे। दोस्तों पैनल वायर बिठा लेंगे इसका। यह आ गया पैनल वायर, यह आ गया सेंसर वायर दोस्तों। दोस्तों पैनल से ऑन करके देखेंगे। दोस्तों ऑन नहीं हो रहा है दोस्तों अभी कुछ। चलो दोस्तों दूसरा पैनल लगा कर चेक कर लेंगे। दोस्तों इसके अंदर जो 110 पॉइंट होल्ड रहता ना, ये वाला ये पॉइंट अपना बैठा ही नहीं, भारी रहेगा, इसलिए टीवी अपना ऑन नहीं हो पा रहा था। 110 सप्लाई को वापस दोबारा पॉइंट को दोबारा इस हिसाब से बिठाएंगे दोस्तों। सोल्डरिंग कर लेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों सप्लाई डाल कर देखेंगे दोस्तों।
सप्लाई डाल ली। हीटर लाइट भी आ गया दोस्तों अपना, और चलो बाहर से फ्लैश भी देख लेंगे। बाहर से फ्लैश भी आ चुका है अपना, टीवी ऑन हो चुका है। और दोस्तों थोड़ा सा फ्लैश ज़्यादा हो गया है दोस्तों इसका। फ्लैश दोस्तों ये देखो, थोड़ा इस टीवी सेट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत वाइट वाइट आ रहा है। पावर सप्लाई क्लियर होगा दोस्तों, इसके अंदर पीएफ का फॉल्ट और अपने पीएफ का और अपना पीएफ और इसका फॉल्ट का, बाकी सब ओके हो गया। और दोस्तों ये देखो ओके हो गया दोस्तों। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद।